12वीं की प्री टेस्ट परीक्षा में आरएल कॉलेज धमदाहा में छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12वीं के छात्र यहां जमीन पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं, किंतु कॉलेज प्रशासन इन समस्याओं को दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, जिसके कारण छात्रों की समस्याएं दूर नहीं हो रहे हैं। इस कुव्यवस्था को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी देखी गई। छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित छात्राओं ने इस दरमियान कॉलेज की कई कुव्यवस्थाओं को लेकर भी आवाजें बुलंद की। परीक्षा हो रही है प्री टेस्ट एग्जाम 12th वाले का, जिसका कि फाइनल फरवरी में होने वाला है, ठीक है। और ये सभी विद्यार्थी जो हैं 8 सब्जेक्ट के हैं, जो सेकंड पाली में एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं, इन लोगों को बैठने की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। स्टूडेंट का सारा व्यवस्था जितना होना चाहिए स्टूडेंट को मिलने लायक व्यवस्था कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में, और बच्चे को काफी परेशानी होती है। कहने को तो ये कॉलेज है, लेकिन जो व्यवस्था है प्राथमिक स्कूल से ही बदतर है। हाँ, छात्र छत पे परीक्षा देने के मजबूर हैं और छात्र छात्राएं इस गंदे व्यवस्था में बिना बेंच डेस्क के देख रहे हैं, जहाँ पे चप्पल खोला है वहाँ पे बैठ के लिख रहा है। आखिर इतनी इतनी राशि जो खर्च कर रही है सरकार, वो राशि तो यहाँ भी मिल रहा है इस कॉलेज को भी, आखिर वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो यहाँ पे उनका उनके जो अधिकारी होंगे वो तो वो आप लोग क्या मांग करते हैं यूनिवर्सिटी? हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मांग करते हैं कि स्टूडेंट जितना भी प्राइवेट हो या सरकारी, फी जो भी कॉस्ट लगता है वो तो स्टूडेंट देता है जेन्युइन फी, फिर उनको फैसिलिटी क्यों नहीं? हमारी बस यही मांग है कि स्टूडेंट को हर कॉलेज के बनिस्पत इस कॉलेज को भी सारा व्यवस्था होनी चाहिए।